इस बार बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान है। वहीं इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की जा रही है। योगी सरकार के बजट पर लखनऊ की जनता क्या कहती है, सुनते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जो उत्तर प्रदेश का ये बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ उन लोगों की उम्मीदें हैं। सर, जिस तरीके से यूपी सरकार का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं, क्या कुछ रियायत आप लोगों को मिलना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, बजट जो आ रहा है इसमें जो बेसिकली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो एम्प्लॉइज हैं या हम लोग जो वर्कर हैं, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए। तो जो ये बजट आने वाला है इसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों के, क्या इन बसों का किराया या इन सब चीज़ों में कमी बेसी आएगी? अब देखिए, उम्मीदों पे तो पूरी दुनिया कायम है। आज हम लोग योगी जी के समय से जब ये आए थे तो हम लोगों ने ये सोचा था कि बेसिक लेवल पे कुछ काम होगा। जो एक ज़मीनी लेवल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जिनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कन्वेंस की, और वो इतना महंगा होता चला जा रहा है कि आप समझ लीजिए उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एक जो जनरल एम्प्लॉई है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है 22 तारीख को, पिछला बजट जो था वो 6 लाख करोड़ रुपए के समथिंग था, इस बार का जो बजट आ रहा है वो 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, तो आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ रियायतें होना चाहिए बजट से? हमें क्या, पूरे प्रदेश की जनता को मोदी जी में और योगी जी में अटूट विश्वास था, और उन्होंने जिस आशा विश्वास के साथ योगी जी को सत्ता में पुनः बैठाया, पिछले बजट में जो था वह मैं ये देख रहा हूँ कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। लोगों से हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से जो योगी सरकार का जो दूसरा बजट आने जा रहा है उसमें क्या कुछ उनकी उम्मीद है, जो योगी सरकार का दूसरा बजट आने जा रहा है क्या? उत्तर प्रदेश की आबादी तो मौजूदा सरकार से, योगी सरकार से नाउम्मीद है। जब से 6 साल से सत्ता में आए तब से इन्वेस्टर समिट करते हैं, आज तक एक फैक्ट्री नहीं लगी। गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक कारखाना नहीं लगा आज तक से। और स्कूलों को पुलिस की छावनी, स्कूल कब्जा करना चाहते हैं, स्कूलों को पुलिस की छावनी बना दिया है। कहीं कोई विकास नहीं, सब लफाजी। मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, पूरी सरकार, शासन प्रशासन लफाजी से किसी को फुर्सत नहीं, केवल और केवल लफाजी। कोई बजट नहीं, कोई ध्यान नहीं जनता का। जनगण मन परेशान है उत्तर प्रदेश का। तो ये थे मेरे साथ लखनऊ की जनता, जो सीधे साफ तौर पर बता रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है इसमें महंगाई और बेरोजगारी अगर किसी तरीके से कम करती है सरकार, तो इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, और महंगाई और बेरोजगारी किस तरीके से कम करना है सरकार, इस पर भी काम करे। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़, लखनऊ।